मोदी सरकार द्वारा साल 2016 में किए गए नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर आइए समझते हैं कि नोटबंदी क्या थी। नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर 2016 का है, जब टीवी स्क्रीन पर हमारे प्रधानमंत्री जी अवतरित होते हैं और फैसला सुनाते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। जी हाँ, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अचानक से देश पर नोटबंदी थोप दी गई थी। नोटबंदी को लेकर जो तमाम बड़े दावे किए गए थे, कितना सफल हुए कितना नहीं हुए, आज उस पर हम बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर जो फैसला सुनाया है, आज उस पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे, आपके नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी, मनाइए ना। चलिए, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापस आ गया। इसी तरह कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो RBI एक्ट 1934 का है, उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नोटबंदी को लेकर चल रहा विवाद थमने वाला नहीं है। जहां सरकार में बैठे हुए लोग फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग नोटबंदी को लेकर ऐसे मुद्दों और तकनीकी पक्षों को उठा रहे हैं जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।